हेलो दोस्तों, आप देख रहे टेक बितान ऑल। और दोस्तों आज ये वीडियो बहुत ही खास बनने वाला है। खास इसलिए बनने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों डेटा एंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, कोऑर्डिनेटर या फिर ऑफिस बॉय तक यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपके पास एज ए कंप्यूटर का नॉलेज होना लाजमी चाहिए। उसके साथ साथ आपको एज ए ऑफिस पैकेज जैसे कि हो गया एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट में आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप किसी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपके पास अच्छा खासा एज ए सैप, टैली या फिर और भी कुछ सॉफ्टवेयर उसके बारे में अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तब बहुत ईजिली आप यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो और आप एज ए लाखों रुपया यहाँ से सैलरी ले सकते हो दोस्तों। तो चलिए देखते हैं जाके। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा और आपका चैनल टेक बितान ऑल को। और उसके साथ साथ प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को, उसके बाद नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर टैप कीजिए, क्लिक कीजिए, राइट। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो आज की जो जॉब है दोस्तों, एज ए फुल्ली कंप्यूटर बैकग्राउंड लोगों के लिए है दोस्तों, जिसको एज ए कंप्यूटर आता है कम ज़्यादा, यहाँ पर तो ज़्यादा ही होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि गल्फ कंट्री कतर के बारे में बात चल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसके साथ आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आप रख के चलिए आपके पास होना ही चाहिए दोस्तों। आप किसी भी कंट्री से देख रहे हैं इस वीडियो को, आप बहुत इजीली उसी कंट्री में बैठ के आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल से भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगा डायरेक्ट एचआर का मेल आईडी, नो एजेंसी, नो थर्ड पार्टी, नो एजेंट। यहाँ पर डायरेक्ट कंपनी और आप इन दोनों के बीच एज ए बातचीत चलेगा दोस्तों वाया एचआर, राइट। तो चलिए हम जाके सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा वैकेंसी आज हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों। तो सिंपली सबसे पहले जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एज ए इमीडिएटली जॉब वैकेंसी, सीनियर डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का एक वैकेंसी है दोस्तों, राइट। तो इसमें आपको क्या क्या आना चाहिए, कॉपी स्कैनिंग, राइट, स्टोरेज सेव करना, ऐसा ही कुछ होता है दोस्तों। आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं इसको आप अपने हिसाब से। तो मेरे को लगता है जिसको जिसको कंप्यूटर कम ज़्यादा आता है उनको ये सारा का सारा चीज़ एज ए आता है दोस्तों। अगर आपको भी आता है तो सिंपली यहाँ पर आपको पास होना चाहिए मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस, राइट। और आपका यहाँ पर सैलरी एज ए मिनिमम स्टार्ट होगा 3500, इससे कम ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू के ऊपर। उसके साथ साथ कंपनी आपको फूड, एकोमोडेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन फुल्ली आपको प्रोवाइड करेगा कंपनी। यहाँ पर आपका वर्किंग जो आवर है, ऑन ड्यूटी टाइम है आपका 10 आवर्स, हफ्ते में 6 दिन यानी 6 डेज आपको काम करना है और एक दिन का आपको फ्राइडे को हॉलीडे मिलेगा, राइट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जॉब है सिर्फ ओनली फॉर मेल लिखा है दोस्तों, यानी कि जो जेंट्स है वही लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपीन, कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उसी से आप उसी टाइम इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करके एचआर का मेल आईडी आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसी मेल आईडी पे आप अप्लाई कर सकते हैं अपना रिज्यूम डाल के, राइट। नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारे पास, आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोडक्शन एडमिन या फिर जूनियर अकाउंटेंट आप कह सकते हैं। यहाँ पर जो लोग ऐसे अकाउंटिंग बैकग्राउंड से आता है जिसके पास एमएस एक्सेल का यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का अच्छा खासा नॉलेज है, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो ही सही रहेगा। और यहाँ पर भी आपको एक्सपीरियंस चाहिए नहीं दोस्तों, मिनिमम 2 साल का पकड़ के चलिए। यहाँ पर आपका सैलरी मिनिमम 3000 to 4000 हो सकता है दोस्तों, क्योंकि ऐसे व्हाइट कलर जॉब में सैलरी कुछ ऐसा होता है दोस्तों जिसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको सैलरी मिलता है अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू क्रैक कर लेते हो तो। तो यहाँ पर आप एचआर का मेल आईडी के साथ आप अपना रिज्यूम भेज के आगे बातचीत को बढ़ा सकते हो, राइट। नेक्स्ट तो जॉब हमारे पास है दोस्तों आज के लिए, वो है आपका पोस्ट एडमिन या फिर सेक्रेटरी का। यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ एज ए अरबिक आना चाहिए दोस्तों, आपको इंग्लिश अच्छा खासा होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर जो जॉब डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ में आपको एज ए माहिर होना है दोस्तों। मैंने बोला था एमएस ऑफिस वीडियो की स्टार्टिंग में, आप देख सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर का कुछ काम ही ऐसा है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का काम आपको सबको सब आना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ उन्होंने कुछ मेंशन कर दिया, ये चीज़ के ऊपर भी आपको नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए दोस्तों। आप वीडियो को पॉज करके इसको रीड कर सकते हैं। और इसमें आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको लाजमी होना चाहिए दोस्तों। और नीचे आप देख सकते हैं एचआर का मेल आईडी, आप इसी मेल आईडी पे इसको अप्लाई कीजिए अगर आप इस काम के लिए माहिर हैं, राइट।
नेक्स्ट जो है दोस्तों हमारे पास एडमिन असिस्टेंट काम रिसेप्शनिस्ट का काम है दोस्तों, राइट। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि एक कंपनी के अंदर एक वैकेंसी आया है जिसका सैलरी आपका मिनिमम स्टार्ट होगा 2000 कतरी रियाल से, और मिनिमम यहाँ पर आपको एक साल से दो साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर भी आप अपना एचआर का मेल आईडी देख सकते हैं। अगर आपको क्वालिफिकेशन के साथ आपको ये जॉब प्रोफाइल मैच करता है तो आप प्लीज़ इस जॉब के लिए लेट मत कीजिए, जल्द से जल्द हो सके तो आप अप्लाई कर दीजिए, राइट। उसके बाद दोस्तों है हमारे पास सेल्स कोऑर्डिनेटर काम ऑफिस एडमिन, राइट। तो यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जॉब का, और यहाँ पर आपको मिनिमम एक साल से लेकर तीन साल का एक्सपीरियंस आपको आना चाहिए, वो भी मीडिया एडवर्टाइजमेंट विल बी एट एडवांटेज, यानी कि मीडिया या फिर एडवर्टाइजर किसी भी कंपनी से अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रायोरिटी दूसरे लोगों से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा दोस्तों, राइट। और यहाँ पर मेल फीमेल बोथ पर्सन अप्लाई कर सकता है, और आपको यहाँ पर कुछ चीज़ यहाँ पर लाजमी आपको आना चाहिए जो लोग इन्होंने मेंशन कर दिया है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इनको थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को पॉज करके देखिए कि आपका रिज्यूम के साथ या फिर आपको आपकी नॉलेज के साथ क्या एक क्राइटेरिया को एज ए मैच होता है, यानी कि आपके पास जो नॉलेज है उस नॉलेज के साथ इन्होंने जो बोला कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन, क्या उनके साथ आपका मैच होता है। अगर मैच होता है तो ज़रूर आप अप्लाई कीजिए दोस्तों, राइट। उसके बाद जो दोस्तों आता है डेटा एंट्री ऑपरेटर दोस्तों, तो डेटा एंट्री में आपको एक चीज़ तो लाजमी आना चाहिए दोस्तों, वो है आपका टाइपिंग स्पीड, राइट। मिनिमम आप 30 मान के चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सैलरी एज ए 2000 कतरी रियाल हो सकता है दोस्तों, और यहाँ पर आपको 3 to 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर आप छोटा सा जॉब डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने मांगा है, यानी कि कैंडिडेट को क्या क्या आना चाहिए। और यहाँ पर भी आप एज ए एचआर का मेल आईडी देख सकते हैं, इसी मेल आईडी पे आपको अप्लाई करना है दोस्तों, राइट। और आखिर में जो जॉब लगता है जो है हमारे पास एज ए इस कंपनी के पास ऑफिस बॉय का है दोस्तों, यहाँ पर आपका सैलरी स्टार्ट होगा 1500 से लेकर 2000 कतरी रियाल तक जा सकता है, डिपेंड करेगा आपका इंटरव्यू के ऊपर। और यहाँ पर भी आपका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 to 3 years तक, राइट। और यहाँ पर ऑफिस बॉय को क्या क्या आना चाहिए इसके ऊपर छोटा सा कंपनी ने कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया है, आप इनको थोड़ा मेंटेन करके चलने की कोशिश कीजिए दोस्तों, यानी कि ये चीज़ आपके अंदर होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर भी आप अपना एचआर का मेल आईडी देख सकते हैं, अगर आपको अप्लाई करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब के लिए तो आपको इसी मेल आईडी पे अप्लाई करना है दोस्तों, राइट। सो लगभग जो भी था वो तो मैंने आप लोगों के सामने ख़त्म कर दिया दोस्तों। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो सिंपली आपको जाना पड़ेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस वीडियो को इस PDF को जॉब की हवाले से जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अभी तक शेयर किया उस PDF को आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और जब बात करते हैं जॉब की डायरेक्ट कंपनी के साथ जब आपका डील होता है तो आपको एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों, या तक कि आप जो होम कंट्री से जिस फ्लाइट में जाओगे आप दोहा या फिर कतर जाओगे उस फ्लाइट का फेयर भी कंपनी आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है दोस्तों आपका CV सिलेक्शन होना, शॉर्टलिस्ट होना, उसके बाद ही आपका प्रोसेस आगे बढ़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अगर अप्लाई कर दिया तो जल्द से जल्द आपको गुड न्यूज़ आ जाएगा HR की तरफ से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना दोस्तों, और जितके एज ए आप अपनी हो सके जितने आपके दोस्तों के साथ हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। हो सकता है कि आपका दोस्त एज ए बाहर कंट्री में काम करने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है दोस्तों, तो ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप दोस्तों शेयर करना, राइट। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमारे साथ ही बने रहिए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।